तो इस प्रकार वृषभ रूपधारी धर्म और गौ रूपधारिणी पृथ्वी को पहचान कर महाराज परीक्षित ने अपनी मर्मभेदी दृष्टि और गूढ़ ज्ञान का परिचय दिया और फिर उन दोनों को सांत्वना भी दी कि आपको किसी भी प्रकार से अब कोई और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके कष्ट को दूर करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और वहीं वो जो राजा वेशधारी अधर्मी खड़ा था, जो धर्म और पृथ्वी को पीड़ित कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था, निकाली महाराज परीक्षित ने अपनी तीक्ष्ण तलवार। और यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, तंग जिघांसुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पादमूलं शिरसा समगाद भयविह्वलः। जब कलयुग ने देखा कि भाई अब तो ये मेरे प्राण ले ही लेंगे, अपने प्राणों पर संकट आया देखकर, सबसे पहले तो उसने वो जो राज चिन्ह धारण किए थे उनको उतार फेंका और बस ऐसे किसी दीनहीन की भांति पड़ गया महाराज परीक्षित के चरणों में, गिड़गिड़ाने लगा, अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। यहां एक बात विचारणीय है, मैं विचार कर रहा था कि महाराज परीक्षित का कैसा प्रताप होगा, कैसी उनकी सामर्थ्य होगी, और मैं कहता हूं कैसी उनकी भक्ति होगी, कैसी उनकी भक्ति की शक्ति होगी कि कलयुग पड़ा है उनके चरणों में, अपने प्राणों की याचना कर रहा है, उनके सन्मुख ठहर नहीं पा रहा है। राजा तो अनेक अनेक हुए, लेकिन महाराज परीक्षित की विशेषता क्या है, कल भी मैं आपको संकेत कर रहा था कि वो गर्भ में ही भगवान का दर्शन करके आए हैं, वो भगवान के द्वारा रक्षित हैं। यहां एक संकेत प्राप्त होता है कि जो भगवान के द्वारा रक्षित है, अर्थात जो भगवान की भक्ति के द्वारा रक्षित है, उसको कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। इसी का अनुभव करके, इसी का विचार करके संतों ने अनेक अनेक प्रकार से अपने अपने हृदयों के भाव कहे हैं। तत्तिवा न लग गई पारु ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाए। ऐसे तो मैंने आपको बताया था कि मेरा बाल्यकाल से ही संबंध रहा गुरुओं की वाणी से, उसमें भी कुछ एक शब्द तो ऐसे हैं जो मैं गाते गाते ही बड़ा हुआ, और जो सबसे पहला शब्द मैंने याद किया था वो यही था, चतुर दिशा कीन्हो बल अपनो सिर ऊपर कर तारे ओ, कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास को दुख बिदारे हो, दास को दुख बिदारे हो, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे। कभी कभी व्यक्ति अपने भूत भविष्य का विचार ही करता ही है, मानव मन ऐसा ही है। प्रभु की कृपा का विचार करें तो भविष्य की भी कोई चिंता नहीं होती, और प्रभु की कृपा का विचार करूं तो उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, क्योंकि जब
अपने पूर्व के जीवन की ओर दृष्टि डालता हूं तो मुझे लगता है कि किस प्रकार समुद्र के समान प्रतिकूलताएं थी। अगर प्रभु न होते, प्रभु का कर कमल सर पर न होता, तो यहां तक पहुंचना कैसे होता। मेरे जीवन में तो ये बात अक्षरशः घटी, अक्षरशः। चतुर दिशा कीनो बल कटाक अवलोकन की दास को दुख बिगायो, दास को दुख बिदायो, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सो। तो खैर, मैं ये निवेदन कर रहा था, जो भगवत भाव द्वारा रक्षित है, जो भगवान की भक्ति के द्वारा सुरक्षित है, उसको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। एक और बात मैं यहां कहूं, जैसे भगवान ने घोषणा की है श्रीमद् भगवत गीता में, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। और ये जो भगवान ने कहा ना मामेव, मेरी ही, भगवान ऐसा नहीं कह रहे जो मेरी शरण में भी आ जाए वो निर्भय हो जाएगा, उतर जाएगा इस दुरत्या माया से। भगवान कह रहे मेरी ही, केवल मैं ही तो हूं जो पार ले जा सकता हूं इससे, एक मैं ही तो हूं जो जीव को निर्भय कर सकता हूं, एक मेरी भक्ति है जो जीव को सुरक्षित कर सकती है। पूर्व में कभी हमने चर्चा की थी, पंच क्लेश जीव के साथ लगे हैं, उसमें एक भय भी है, खो जाने का भय, मर जाने का भय। वो भय जीव के साथ ही लगा है सदा, किसी कोई भी जन्म हो, कोई भी योनि हो, पर ये जो भय है ना, ये जीव के साथ लगा है। पंच क्लेशों में से एक क्लेश है, और इस क्लेश से मुक्ति केवल एकमात्र प्रभु की चरण शरण प्राप्त होने पर ही हो सकती है। भगवान ही कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। गत सत्र में ही हम चर्चा कर रहे थे, ये सारी सृष्टि किसके अधीन है, काल के अधीन है। कोई समय को नहीं चला रहा है, समय सबको चला रहा है। ऐसी बोलचाल में हम कह देते हैं ना, भाई आज अमुक व्यक्ति का समय आया है, समय की महिमा है। शिखर पर भी समय ही ले जाता है, नीचे भी समय ही गिराता है। मैं बहुत छोटा था तो राम शरणम जाता था ना, तो वहां एक मास्टर जी आते थे, वो एक भजन गाते थे, चार पंक्तियां बड़ी बड़ी सुंदर उसकी मुझे याद रह गई। वो कहते थे किसे नु वक्त बनावे राजा, किसे नु दर दर रोले जी, वक्त किसे दे पैरी पैंदा, किसे दे सिर चढ़ बोले जी। ए ऐसा नाच नचांदाए, कदे हसदा कदे रुलांदाए, लखां विचों कोई बिरला मुल वक्त दा पौंदाए, ए वक्त गुजरदा। ऐसे वक्त ने एक दिन सजनों बन बन राम रुलाया सी, ऐसे वक्त ने हरीश चंद्र दा राज पाट छुड़वाया सी, किते नवे महल बनांदाए, किते बने बड़ाए ढांदाए, लखां विचों कोई बिरला मुल वक्त दा पौंदाए, ये वक्त गुजरदा।
इसलिए कभी कहा था मैंने आपसे, साधक के जीवन में काल का अनादर ना हो, समय का अनादर ना हो, समय व्यर्थ ना जाने पाए। जो समय को व्यर्थ कमा रहा है वो जीवन का अनादर कर रहा है। और मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात, जीवन का अनादर करने वाला जीवन धन की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। समय व्यर्थ ना जाने पाए, समय का आदर हो। और समय का आदर क्या है? सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा, यही समय का आदर है। सांस सांस सिमरै गोविंद, श्वास श्वास से नाम जप और वृथा श्वास मत खो। तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई इस सारे अस्तित्व को कौन चला रहा है? काल चला रहा है, सब समय के अधीन है। सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा भी काल के ही अधीन तो है, वो भी काल के ही अधीन है। जिस श्लोक इस समय स्मरण नहीं आ रहा है, भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे कि ये ब्रह्मा जिन्होंने रचना किया इस सृष्टि की, वो भी मेरे ही आश्रित हैं, वो भी मेरे ही अधीन है। सबको काल चला रहा है, और काल किसकी आज्ञा में है? काल श्री कृष्ण की आज्ञा में है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कह रहे सबका मूल सबका आधार मैं ही हूं, और उन्हीं के चरण शरण प्राप्त होने पर जीव सर्वथा निर्भय होता है। थोड़ी देर के लिए निर्भय तो हो सकता है, आप यहां हो जाओ, आपको लगे कि भाई अब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, पर ये जो पंच क्लेशों में से एक क्लेश भय जीव के साथ लगा है, ये तो प्रभु की चरण शरण प्राप्त होने पर ही दूर होता है। ये भय नहीं मिटता है, मर जाने का भय, जो काल का भय है, मर जाने का जो भय है वो नहीं मिटता है, भगवान की कृपा के बिना नहीं मिटता है। जय राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। और मैं कहता हूं काल का भय भी नहीं मिटता है, और माया का भी भय बना ही तो है, तभी तो महाप्रभु जी कह रहे हैं ना जानू छिन अंत कवन बुद्धि घट ही प्रकाशित। आज ठीक चल रहे हो, पता नहीं अगले पल ठीक चलोगे कि नहीं, आज मन ठीक है कल ठीक रहेगा कि नहीं। बार बार आपसे यही कहता हूं ना, मन ठीक चले एक बात है, चलता रहे ये दूसरी बात है। बिगड़े मन को सुधारने वाला भी सत्संग है, साधु का संग है, और सुधरे मन को सही मन को, सीधे सच्चे मन को सही मार्ग पर चलाते रहने वाला भी सत्संग है। इसलिए पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो विचार करते करते एक छोटी सी बात यहां से मिली। जब कलयुग को देखा गया, महाराज परीक्षित के चरणों में पड़ा, तो बुद्ध जनों ने विचार किया, भाई महाराज परीक्षित के पास ऐसा क्या है, समय भी उनके सामने नत हो रहा है, कि भक्ति की शक्ति है, वो भगवान के द्वारा रक्षित हैं, वो भगवान के द्वारा सुरक्षित हैं, और भगवान के द्वारा रक्षित अर्थात भगवान की भक्ति के द्वारा रक्षित, भगवान के भक्त के द्वारा रक्षित, गुरु के द्वारा रक्षित। क्यों? क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। नाम चार हैं पर तत्व एक है, भक्ति हो भक्त हो भगवान हो या गुरु हो। तो देखना विचार करना, अनाथ तो नहीं हो। शरीर के माता पिता होना एक बात है, मन के ऊपर किसी की दृष्टि, मन के ऊपर किसी का अंकुश होना यह दूसरी बात है। इसलिए देखना कहीं अनाथ तो नहीं हो, भगवान के द्वारा रक्षित हो, या जीवन में कोई संत भक्त है, उसकी कृपा है, सत्संग है, गुरु का आशीर्वाद है। ये है तो फिर आप निर्भय हो सकते हो, फिर आप निर्भय हो सकते हो। तो जब पड़ गया कलयुग चरणों में आकर, फिर वो तो भाई धर्मपरायण राजा हैं, और धर्म क्या कहता है? श्री रघुनाथ जी ने इसका वर्णन श्री रामचरितमानस जी में किया, शरणागत कहूं जे तजहीं निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहिं बिलोकत हां। तो विभीषण जी आए, सुग्रीव जी ने कहा, बोले अरे ये तो शत्रु है, शत्रु का भाई है, क्या पता दूत बन के आया हो, हमारा भेद लेने के लिए आया हो। भगवान ने कहा भाई ये जो भी हो,
अच्छा थोड़ी देर के लिए सुग्रीव जी भूल गए ना कि भाई ये जो सन्मुख बैठे हैं ये तो अंतर्यामी है, भूल गए सुग्रीव जी। लेकिन वो प्रभु के हित का ही विचार करके प्रभु से कह रहे थे ना कि प्रभु कहीं शत्रु पक्ष से आया है कि कोई दूत ना हो, हमारा मर्म हमारा भेद लेने ना आया हो, हमारी शक्ति का पार पाने के लिए रावण ने इसे ना भेजा हो। भगवान ने कहा भाई जो भी है पर हमारी शरण में आया है, ये हाथ जोड़कर सर झुकाकर सजल नेत्र कार्त स्वर में प्रार्थना करता हुआ हमारे सामने आया है, ये शरणागत होकर आया है, शरणागत का त्याग हम नहीं कर सकते कोई भी हो। और फिर श्री रघुनाथ जी ने धर्म का उपदेश किया, शरणागत कहूं जे तजही, बोले जो शरणागत का त्याग करते समर्थ होने पर जो शरणागत का त्याग कर दे क्या विचार करके कि भाई कहीं इससे मेरा कोई अहित ना हो जाए, कहीं इससे मेरा कोई अहित ना हो जाए, इस बात का विचार करके यदि कोई धर्म का ही त्याग कर दे निज अनहित अनुमान, फिर प्रभु कह रहे हैं तेनर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हान। भगवान कह रहे हैं भाई ऐसे का तो मुख देखने से भी हानि होती है, माने किसी भी स्थिति में यह कार्य नहीं करना चाहिए। आपको कभी मैंने यहां से एक बात कही थी कि भाई पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो कि आपको स्वार्थ साधना है कि परमार्थ साधना है, सिद्धि आपको स्वार्थ की करनी है कि परमार्थ की करनी है, परमार्थ की सिद्धि करनी है फिर केवल प्रभु की ओर देखो, फिर यहां ना देखो कौन है कैसा है क्या कर रहा है आपके साथ क्या करेगा क्या हो जाएगा, फिर इस सब बात का विचार मत करो, फिर केवल प्रभु की ओर देखो, फिर आपके जीवन में जो घट रहा है वो भगवद इच्छा से हो रहा है और भगवद इच्छा मंगलमयी ही है। और स्वार्थ की सिद्धि करनी है, अपना अपना हानि अपना लाभ आपने स्वयं देखना है, ये गणित आपको स्वयं बिठाना है, फिर तो भाई जीवन द्वंद्व में ही बीतेगा। क्यों? क्योंकि यहां तो गुण भी है दोष भी है, यहां तो शुभ भी है अशुभ भी है, भला भी है बुरा भी है, यहां तो सब है। और कल ही मैं आपसे कह रहा था अगणित द्वंद देह के पथ है, तुम बिन तारन को समरथ। पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो, यहां वहां मत हो, नहीं तो इत व्यवहार ना उत परमारथ। कभी परमार्थ का विचार किया फिर कभी स्वार्थ में लग गए, फिर परमार्थ का विचार किया फिर उसी व्यवहार में लग गए, तो कहां पहुंचे? कहीं भी नहीं भाई, कोई दो कदम आगे बढ़े फिर दो पीछे फिर चार आगे फिर दो पीछे, पहुंचेगा कहां? कहीं नहीं ना, वहीं का वहीं तो है, उसकी गति होगी कैसे? क्या तो धर्म की ओर दृष्टि रखो। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। संतों के जीवन में अनेक अनेक ऐसी घटनाएं घटी, संत जानते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति हमें हानि पहुंचाने के लिए आया है, पर उनकी दृष्टि उस पर नहीं है, उसके हृदय के कुभाव पर नहीं, वो तो प्रभु पर दृष्टि रखे हैं, प्रभु पर दृष्टि रखकर अपना कार्य कर रहे हैं। और देखा यही गया कि अपनी बुद्धि से अपना हानि लाभ विचार करने वाला कहीं पहुंचा हो कि नहीं पहुंचा हो, प्रभु पर दृष्टि रखने वाला तो प्रभु के निकट पहुंच ही जाता है। तेरे सेवक को ओ कितना जमना आवे। व्यक्ति बहुत चतुर बनता है ना, किस लिए बनता है भाई? कहीं हमें कोई छल ना ले। बहुत चतुर बनता है, बहुत चतुराई से विचार करता है, दो दो पैसे का हिसाब रखता है कि कहीं कहीं कोई व्यक्ति हमको छल ना ले, हमसे कोई अधिक ना ले जाए। लेकिन कितना बड़ा छल स्वयं के साथ कर रहा है, संसार कमाने के लिए परमार्थ कमा रहा है। संसार तो कमा लेता है, कमा लेता है, मान लिया कमा लेता है, पर अपना परमार्थ गंवा देता है। और एक बार विचार करो संचित किए हुए धन की गति क्या होती है। एंड हमने तो ऐसे लोग भी देखे जीवन भर दो दो पैसा जोड़ते रहे, जीवन भर दो दो पैसा जोड़ते रहे, हार्ट अटैक आया मर गए, पीछे वाले लोग मौज उड़ा रहे हैं। धन की यही गति तो होती है, सत्कर्म में न लगे फिर धन की यही गति है। तीन गति धन की बताई है ना, सत्कर्म है भोग है और नाश है। सत्कर्म में नहीं लगेगा तो भोग में लगेगा, भोग में लगेगा तो भी मन बिगाड़ेगा तो भी नरक है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और ये दोनों ही नहीं हुए तो फिर नाश है, फिर कोई और मौज उड़ाएगा। आपने क्या किया?
आप जीवन भर चतुर बने रहे, आपने किया क्या? अपने साथ छल किया कि ऐसी मूढ़ता या मन की अपना जीवन गंवाया। इसलिए सावधान, सबसे पहले अपना संकल्प सुदृढ़ करिए, भाई हम दृष्टि प्रभु पर रखेंगे। और संतों की वाणी कितना बड़ा भरोसा देती है, औखी घड़ी न वेखण दे अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। मैंने तो पहले भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं भाई, इस बात का तुम्हें जीता जागता प्रमाण हूं, मैं हूं इस बात का जीता जागता प्रमाण। औखी घड़ी ना वेखण दे अपना बिरद संभाले। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये बात इसी प्रकार अक्षरशः सत्य है, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। हजार हजार चिंता करने के बाद भी आपका काम बना कि नहीं बना, तो बिना चिंता के हमारा तो हर काम बना बन ही रहा है। तो उस दिन आपसे कह रहा था भाई, जो हमने सोचा वो भी हो गया, जो नहीं सोचा वो भी हो गया। जहां तक हमारे मन की गति नहीं थी, वो कार्य भी प्रभु ने कर दिखाया। राई पर्वत करे करे पर्वत की रा, तब ये चार पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी है। मोसे भया न होएगा साहेब करता मो, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। मैं तो कई बार बैठे बैठे दोहरा लेता हूं पंक्तियां, पलटू पलटू सोर राम की ऐसी इच्छा, और कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा, लीला अगम अपार सकल घट अंतर्यामी, और खाए खिलाए आप दे हमको बदनामी। मोसे भया न होएगा साहेब करता मोर, देत लेत है आप ही और पलटू पलटू सो। तो मैं तो अपनी ओर से आपको यही प्रार्थना भी करूंगा, आपको आग्रह भी करूंगा, आपको आदेश भी दे सकता हूं, अपना संकल्प पवित्र रखो, दृष्टि प्रभु की ओर रखो, प्रभु का ही विश्वास रखो। थोड़ी देर के लिए यहां कोई हानि होती दिखाई दे भी सही ना, तो चिंता नहीं करो, चिंता ना करो। अनेक अनेक बार ऐसा हुआ, ऐसा लगा कि बाजी पांडवों के हाथ से निकल गई, श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। अनेक बार ऐसा लगा बस निकल गई बाजी पांडवों के हाथ से, अब तो गए। कभी भीष्म प्रतिज्ञा कर रहे हैं, कभी जयद्रथ ने अपना प्रपंच किया। कितनी बार ऐसी घटना घटी युद्ध के मध्य में भी, पर अंत में जिसके सिर ऊपर छाता लो छाह किए शोभित हरी छाती, लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती, लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। मैं तो कहता हूं कि हाँ ठीक है, हम तो दीन है, दुर्बल है, हम असहाय हैं, हमको कोई चाहिए समर्थ जो हमारी रक्षा करे, हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। पर मैं कहता हूं कि इस दीनता को, इस दुर्बलता को संसार के आगे जाके मत रो। कल भी मैं आपसे यही तो कह रहा था भाई, हजार बार अपना दुख किसी के आगे रो, कोई दूर कर सकता है दुख? कोई कर सकता हो तो आप बताओ, आपका कितना ही प्रिय हितैषी क्यों ना हो, पर क्या आपके मन की पीड़ा दूर कर सकता है? नहीं कर सकता है भाई, नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूं संसार में कोई पूछे भी सही ना कि क्या हाल है, कैसे हो, कैसा है सब, मुझे आनंद ही आनंद है। कुछ कहना भी हो तो प्रभु से कहो, उससे कहो जो आदर देकर आपकी बात सुने, जो शरणागत का त्याग नहीं करते किसी भी स्थिति में, जो शरणागत के गुण दोष का विचार नहीं करते किसी भी प्रकार से। अरे कोई बात कहनी है उनसे जाकर कहो ना, वो कोई चले गए हैं,
वो कहीं चले थोड़ी गए हैं, आप भूल गए हो, आपने मुख मोड़ लिया है, आप विमुख हो गए हो प्रभु से, प्रभु नहीं हुए हैं, प्रभु नहीं हुए हैं। तो एक बड़ा सुंदर सा चिंतन मिला यहां से, जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मैंने कहा देखो कलयुग चरणों में पड़ा है, क्या है महाराज परीक्षित के पास ऐसा भयभीत कातर थर थर कांपता कलयुग अपने प्राणों की रक्षा की याचना कर रहा है, ऐसा क्या है महाराज परीक्षित के पास? भक्ति की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, धर्म का आश्रय है, यतो धर्मस ततो जयः। तो महाराज परीक्षित ने कहा भाई अब तू शरण में ही आ गया है, तब तेरे प्राण तो नहीं लूंगा लेकिन तू किसी भी प्रकार से इस भारतवर्ष की सीमा में नहीं रह सकता है। क्यों? नवरतितव्यम तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्येन ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विद्याः। महाराज परीक्षित ने कहा अरे ये पवित्र भारत भूमि है और तू अधर्म का साथी है, तो जिस ओर दृष्टि करता है वहीं अधर्म की अभिवृद्धि होने लगती है, अनेक अनेक प्रकार के दोष बढ़ने लगते हैं, और ये तो पवित्र भारत भूमि है, यहां तो अनेक अनेक निष्काम महात्मा लोक मंगल का पवित्र संकल्प लिए लोक मंगल की कल्याणकारी भावना से भावित होकर अनेक अनेक यज्ञों अनुष्ठानों के द्वारा श्री हरि की यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं, ये स्थान किसी भी प्रकार से तेरे रहने के लिए नहीं है, इसलिए यहां नहीं रहना, यहां से कहीं दूर चला जा। इसीलिए शास्त्रों पुराणों में इतनी महिमा गाई गई है इस भारत भूमि की, इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में हो। बोले हाँ ठीक है मनुष्य शरीर की तो महिमा है, बोले लेकिन मनुष्य शरीर भारत भूमि पर मिला हो, ये ऋषि मुनियों के तप से पूत पवित्र धरती है, गंगा यमुना सरयू कृष्णा कावेरी गोदावरी इस भूमि के एक एक रज कण को पवित्र कर रही है, इस भारत भूमि पर जन्म लेकर भी सोई है गमार, और जिस कियो नहीं प्यार नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में हुई भारते जन्म संप्राप्त नात्मानं तारयेत्तु यः, अरे भारत में जन्म प्राप्त करके भी जिसने अपने आप को तारने का प्रयास नहीं किया, जिसने अपने कल्याण का साधन नहीं किया, ये पुराण का वाक्य है कि भारते जन्म संप्राप्य नात्मानं तारयेत्तु यः, जिसने इस भूमि पर जन्म पाकर भजन नहीं किया, आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, बोले जब तक सूर्य चंद्र तारागण रहते हैं तब तक वो जीव नर्कवास करता है, ये पुराण का वाक्य है कि प्रभु ने तो ऐसी असीम की कृपा की, मनुष्य का शरीर दिया, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथनि गावा, और फिर भारत भूमि पर दिया। इसीलिए मैं तो पुनः दोहराता हूं अपनी बात कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाला तो भाई प्रत्येक भारतवासी प्रयास करे तो साधु हो सकता है, यही हमारे यहां की ऋषि परंपरा थी। ब्रह्मचर्य से जीवन आरंभ होता था, गृहस्थ वानप्रस्थ होते हुए अंत में कोई सन्यासी होकर, और सन्यासी अर्थात यो न द्वेष्टि न कांक्षति, द्वंद से मुक्त होकर निर्द्वंद होकर प्रभु के पास जाता था। भव से पार जाने के लिए भारत भूमि पर जन्म मिला है, और बड़ा दुख होता है आज चारों ओर जब दृष्टि डालते हैं तो बड़ा दुख होता है कि देखो कैसी दुर्दशा हो रही है मानव मन की। इसलिए दो दिन पहले मैंने आपको संकेत किया था, दुर्भाग्य है ये भारतवासियों का यदि उनको शास्त्र के वचनों पर विश्वास नहीं है, गुरुजनों में श्रद्धा नहीं है। और मैं कहता हूं कि भाई अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे मूल पर प्रहार किया, पदाक्रांत तो भारत भूमि
अनेक वर्षों से होती रही। तुर्क, मुगल, अफगान, जाने कौन कौन आए, लेकिन वो भारत की संस्कृति को उतना दूषित नहीं कर सके जितना अंग्रेजों ने किया, वो उतना दूषित नहीं कर सके। अभी मैं दो दिन पहले एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बात कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अंग्रेजों ने मूल पर प्रहार किया। वो यहां के जो राजवंश के लोग थे, जो राजकुमार थे, वो उनको ले गए वहां, बोले आपको वहां पढ़ाएंगे, आप वहां से पढ़ लिख कर आना। और ये कोई किसी की कपोल कल्पना नहीं, ये तो इतिहास है, इतिहास में ये तो सब अंकित है ना, ये डॉक्यूमेंटेड है। वो ले गए अनेक अनेक राजवंश के राजकुमारों को वहां। जब वो राजकुमार यहां रहते थे तो सूर्य को अर्घ देते थे, गायत्री का जप करते थे, संध्योपासन करते थे, कुछ वेद शास्त्र भी पढ़ते थे, क्योंकि यही यहाँ की गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ाया जाता था, एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र। और इसके मूल में सिद्धांत क्या था कि शस्त्र से तन की रक्षा होगी, शास्त्र से मन की रक्षा होगी। तन में शक्ति बढ़ेगी और मन में सद्गुण बढ़ेंगे, ऐसी शिक्षा की पद्धति थी, ऐसी व्यवस्था थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक भारतवासियों के पास ये शास्त्रों का ज्ञान है, इनकी शास्त्र के वचनों में श्रद्धा है, तब तक इनको कोई मिटा नहीं सकता, तब तक इनको कोई अपना दास अधिक देर तक बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्रमा का तेज, शीतलता, ये दोनों इनके इनके प्राणों में घुल मिल जाती है, ऐसी इनकी शिक्षा पद्धति है। गायत्री का जप जगा देता है किसी की प्रज्ञा को, उसे स्थूल सूक्ष्म का बोध हो जाता है, उसका विवेक जगता है। इनके पास ऋषि मुनियों का ऐसा दिव्य ज्ञान है कि इनको कोई मार नहीं सकता, इनको कोई मिटा नहीं सकता, तभी इनके धर्म का नाम सनातन धर्म है, जो मरता नहीं, मिटता नहीं। तो वो बहुत चालाक थे, दुष्ट थे, तो उन्होंने कहा कि इनके मूल पर प्रहार करना चाहिए, इस शिक्षा पद्धति को दूषित किया जाए। यहां भी उन्होंने यही किया। क्या पढ़ाया जा रहा है आजकल स्कूलों में बताओ? धर्म का, शास्त्र का उस शिक्षा पद्धति से कोई लेना देना हो तो बताओ? हम तो जब पढ़ते थे तब तो फिर भी एक आध विषय होता था नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन, आज तो वो भी नहीं है। जिस भाषा में हमारे धर्म शास्त्र लिखे गए हैं, हिंदी हो, संस्कृत हो, उसे बिल्कुल हटा ही दिया गया शिक्षा पद्धति से। इसके मूल में कारण क्या है? आप लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, भूल रहे हैं। आप लोग, आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आपके बच्चों के दिमाग में, उनकी बुद्धि में भरा क्या जा रहा है, आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है। आपने तो बस एक हाई स्टेटस वाले स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया 20-25-50 लाख रुपया देकर भी। क्यों? क्योंकि उसमें आपका भी स्टेटस बनता है सोसाइटी में, ये आपका भी स्टेटस है ना, भाई हमारा बच्चा देखो स्कूल में पढ़ता है। तो वो ले गए यहां के सब राजकुमारों को, राजकुमार भी वहां से कोट पैंट पहन कर आए, धोती यज्ञोपवीत तो यही रह गया, वो तो यही रह गया। फिर वो वहां से कोट पैंट पहन कर आए, क्या सीख कर आए? जो नहीं खाना चाहिए वो खाना सीख कर आए, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना सीख कर आए, आचार विचार शून्य बना दिया गया उनको। और मैं बार बार आपको कहता हूं भाई, धर्म यदि रहेगा जीवन में तो सदाचार के आधार पर रहेगा ना। सदाचार ही नहीं रहेगा तो फिर धर्म कैसे रहेगा, पवित्र आचरण कैसे रहेगा? मेरा तो देखो भाई कार्य है, मैं तो अपना कार्य करूंगा, करता रहूंगा, मैं तो बार बार आपसे करूंगा, जो भूल आपसे हुई है वो कम से कम आपके बच्चों से नहीं हो, जो विषय आप नहीं पढ़े कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास तो करो। अरे बच्चा तो कच्ची मिट्टी जैसा होता है, उसे जो आकार दिया जाएगा वो लेगा। और फिर मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूं कि माना कि अंधेरा घना है, दीपक जलाना कब मना है? आप सारे संसार को प्रकाशित नहीं कर सकते, अरे अपने घर में तो एक दीपक जलाओ। अंधेरा है, अपने घर में तो एक दिया जलाओ, अपने बच्चे को तो पढ़ाओ, उसे तो हिंदी और संस्कृत का ज्ञान कराओ कि कल वो शास्त्र पढ़ने योग्य हो।
नहीं तो टीवी सीरियल वाले तुमको सिखाएंगे धर्म, वो बताएंगे तुमको कि ऐसा हमारे देवी देवताओं का स्वरूप है, ऐसा हमारे प्रभु का स्वरूप है, ये हमारा सनातन धर्म है, वो आपको पढ़ाएंगे, आप वहीं बैठे बैठे पढ़ना और ताली पीटना। नहीं तो जो धर्म की दुर्व्याख्या करने वालों की बाढ़ आज आई है, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्र पढ़े नहीं, सदाचार जीवन में है नहीं, गुरुजनों की सेवा की नहीं, और दो चार किताब यहां वहां से पढ़कर और मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हैं, लाखों लोगों को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। अभी कल मेरे संस्कृत के आचार्य जी मेरे पास में बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बोले नाम मैं नहीं लेता, तो उन्होंने कहा कि वो राम कथा सुना रहे थे और वो कह रहे थे कि इस प्रकार कथाओं को समाज के उपयोगी बनाया जाना चाहिए। मैंने कहा कथा को समाज के उपयोगी नहीं, समाज को कथा के उपयोगी बनाना चाहिए। हमको धर्म को अपने पक्ष में नहीं लाना है, हमको धर्म के पक्ष में जाना है। ऐसी सरकारें आई यहां जिन्होंने कहा भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष देश है। अरे पूरे विश्व में एक भारत ही तो है जिसको धर्म से अपेक्षा है, धर्म सापेक्ष देश ही भारत है, बताओ तो धर्म निरपेक्ष देश है। कैसी कैसी पट्टी पढ़ाई हम भी पढ़ते चले गए, क्यों? क्योंकि अपना कोई ज्ञान था नहीं, अपनी बुद्धि अपनी प्रज्ञा वैसी विकसित थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि स्कूल में कभी ऐसा विषय पढ़ाया ही नहीं गया, वेद वेदांग की कोई शिक्षा ही नहीं थी, है ही नहीं। मलेच्छों की भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। आप देखो भारतवासी ये समझ रहे हैं हमारा विकास हो रहा है, देव भाषा का परित्याग करके, देव भाषा को छोड़कर मलेच्छ भाषा पढ़ रहे हैं, ये कौन सा विकास हो रहा है भाई, कौन सा विकास हो रहा है? तो कम से कम इस देश में आपको जन्म मिला है, इसके प्रति भी, इस पवित्र भूमि के प्रति भी तो आपका मेरा कुछ कोई दायित्व है, कोई कर्तव्य है, उसका भी विचार करना चाहिए। और मैं तो यही कहकर आगे बढ़ूंगा भाई कि कोई दुनिया बदलने नहीं निकला हूं मैं, ना ना ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, कोई भी नहीं। मैं तो यहां भी आता हूं आपको सुनाने के लिए नहीं, मैं तो खुद सुनने के लिए आता हूं, सत्संग अपने लिए है। पर मुझे जब अवसर मिलता है तो मुझे लगता है भाई जो सीधी सच्ची बात हो वो तो कहनी चाहिए ना, वो तो मेरा कर्तव्य है। इस स्थान पर जहां मुझे गुरुजनों ने बिठाया है, इस स्थान के प्रति मेरा कर्तव्य है। अपने घर का दिया तो जलाओ, अपने बच्चे को तो पढ़ाओ, स्कूल नहीं पढ़ाता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करो। ऐसी दुर्दशा हो गई है कि एक दो परिवारों को मैंने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, ब्राह्मण परिवार है, तो मैंने कहा अरे तुमको तो जरूर पढ़ना चाहिए, ब्राह्मण का तो कर्तव्य है। कोई पूछे ना ब्राह्मण को वेद शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसका कोई कारण नहीं, उसका कर्तव्य है। निष्कारणम षडंगो वेदो धेयो गेयश्च, ब्राह्मण के लिए आज्ञा है। तो मैंने कहा भाई तुम ब्राह्मण हो, अपने बच्चों का यज्ञोपवीत भी कराओ और इनको कुछ संस्कृत का ज्ञान भी कराओ। अब वो बेचारे यहां से गए, आप आश्चर्य करेंगे, बड़े बड़े शहरों में उनको एक संस्कृत पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है जो उनके बच्चों को आकर पढ़ा दे, ऐसी स्थिति है। तभी तो मैं कहता हूं कई बार बैठा बैठा विचार करता हूं भाई कौन सा विकास हो रहा है, पृथ्वी पीड़ित हो रही है, प्रकृति कुपित हो रही है, जलवायु दूषित हो रहा है और मानव मन की विकृति का तो पूछो ही मत, उसका तो विचार करना ही व्यर्थ सा हो गया। भाई विकास हो कौन सा रहा है, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ये सुख पाने की होड़ और दौड़ में कहां दौड़ते चले जा रहे हो। शास्त्र की भाषा का ज्ञान होता तो कभी उठाकर पढ़ते ना, कभी उठाकर पढ़ते, अनेक अनेक प्रकार की किताबें पढ़ी, मैगजीन पढ़ी, नॉवल पढ़े। शास्त्र की भाषा का ज्ञान होता तो शास्त्र भी पढ़ते और पढ़ते तो समझ आता ना भाई हमको कौन सा अवसर मिला है, हम भारत भूमि पर जन्मे हैं, पुराण कह रहे हैं ये बात, भारते जन्म संप्राप्य नात्मानम तारयेत्तु यः, यहां इस पवित्र भूमि पर जन्म पाकर भी बोले अपने आत्म कल्याण का प्रयास नहीं किया, बोले जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक जीव नरक गामी होगा, क्योंकि ऐसा अवसर गंवा दिया, ऐसा अवसर गंवा दिया। आपको कोई बड़े प्यार से उपहार दे और आप अपने घर में जाकर उसको यूं ही कहीं फेंक दें, धूल जमती रहे उस पर, जिसने आपको वो उपहार दिया है कभी वो देखेगा तो उसका हृदय दुखेगा कि नहीं दुखेगा,
उसने बड़े प्रेम से आपको दिया था। ऐसे ही ईश्वर ने, प्रभु ने करुणा करके आपको मुझे ये अवसर दिया, आपने और मैंने उसकी ये दशा की। प्रभु का हृदय दुखेगा कि नहीं? और प्रभु का हृदय जिस कारण दुख रहा है, प्रकृति उस पर प्रसन्न होगी? प्रकृति उसे दंडित करती है, उसके सारे मार्ग अवरुद्ध कर देती है, भीतर जाने का मार्ग भी और बाहर भी। बाहर भी उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है, और अंधकार में चलने वाला व्यक्ति कितना भी चतुर क्यों ना हो, ठोकर जरूर खाता है, गिरता जरूर है। इसलिए मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आप सबसे भी और जो भी लोग सुनते हैं उनसे भी ये प्रार्थना कर रहा हूं, और ये भी कह रहा हूं कि हो सके तो इस बात को दूर तक आप पहुंचाना भी। अपने कर्तव्य का पालन करिए, भारत भूमि के प्रति आपका मेरा ये कर्तव्य है, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा के प्रति आपका मेरा ये कर्तव्य है। कहीं भी बढ़ता हो कलयुग बढ़ता रहे, अपने घर आंगन को तो पवित्र रखिए। और जहां से अब की बार ये चर्चा आरंभ हुई, कलयुग पीड़ित कर किसको रहा है, धर्म को और प्रकृति को? अपने घर आंगन को तो पवित्र रखो। सरल शब्दों में अगर मैं आपको कहूं ना, तो जिसके जीवन में दो बात हो, हरि नाम का आश्रय हो और गौ माता की सेवा हो, ये दो बातें। मैं बहुत सरल करके आपको ये शास्त्र सिद्धांत कह रहा हूं, दो बातें जीवन में लेकर आइए, हरि नाम हो और गौ माता की सेवा हो। जिसके जीवन में ये दो बात रहेंगी, उसके जीवन में निरंतर आस्तिक भाव की वृद्धि भी होगी, शुभ मंगल का संचार भी होगा और सद्धर्म का अभ्युदय भी होगा। ये बात मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूं, दो बातें। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको गौ माता का पालन करना है। आज आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, अनुकूलता नहीं है, कोई बात नहीं। जिस नगर जिस शहर में रहते हो वहां कोई ना कोई गौशाला होगी ना, वहीं जाकर थोड़ी सी सेवा कर दो। अरे गृहस्थ हो, गौ का ग्रास तो आपके घर से निकलना चाहिए ना। कहीं भी जहां जिस नगर शहर में आप रहते हो वहां जो भी गौशाला हो, जो निष्काम भाव से गौ सेवा करते हो, उनकी कुछ सेवा, उनका कुछ सहयोग करो और फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखना, मुझे बताना। क्योंकि मैं आपको अनुभूत प्रयोग दे रहा हूं, कहीं पुस्तक से पढ़ के आपसे नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् भागवत का चिंतन आपको मुझे ये मार्ग दे रहा है, मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कलयुग पीड़ित कर रहा है धर्म को और प्रकृति को। जो अपने जीवन में धर्म और प्रकृति का आदर करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसकी सेवा करेगा, उसे कलयुग पीड़ित नहीं कर सकता। और कितना सीधा सुगम सा तो मार्ग है, दो ही तो काम है, भगवान नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, और जितनी आपसे हो सके गौ माता की सेवा करनी है, गौ की सेवा करिए। आपके जीवन में सत्व गुण की वृद्धि होगी, भक्ति स्थिर होगी। ये जो रजोगुण तमोगुण हमारे मन को बार बार मैला कर देते हैं ना, बार बार मन अपवित्र हो जाता है, प्रभु की सेवा करते करते भी, सुमिरन करते करते भी, मैले कुचैले भाव आपकी सेवा भावना को जो दूषित कर देते हैं, उसका कारण क्या है? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई नहीं है, गुण है। रजोगुण और तमोगुण ये मन को दूषित करते हैं, मैला करते हैं, अपवित्र करते हैं। आप ये दो कार्य करिए, निश्चय से करिए, भावना से करिए। आप देखिए आपके जीवन में सत्व गुण बढ़ेगा, आप देखेंगे आपका मन निर्मल हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, और शांति से वो शक्ति उद्भूत होगी जो आपसे आपका कल्याण कराएगी। मुझे तो अपनी ओर से बात आपसे कहनी थी, मैंने कह दी। तो महाराज परीक्षित ने कहा, भाई अब तू शरण में आ गया है तो तेरे प्राण तो नहीं लेंगे, लेकिन इस पवित्र भारत भूमि पर तू नहीं रह सकता, ये संतों की भूमि है, यहां संत भगवान की आराधना करते हैं, विश्व कल्याण की भावना लेकर, लोक मंगल की भावना से संत यहां पर भजन करते हैं, तो तू यहां नहीं रह सकता है। अब जब महाराज परीक्षित की आज्ञा सुनी तो वो बेचारा डर गया। यमराज के समान प्राण लेने को उद्यत महाराज परीक्षित खड़े हैं। अब वो बोला, यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्येषु शरासनम्।
बोली महाराज मैं कहाँ जाऊँ, मैं जहाँ जाता हूँ मैं जिस ओर दृष्टि करता हूँ वहीं आप मुझे खड़े दिखाई पड़ते हैं। देखो राजा भले एक स्थान पर बैठा होता है लेकिन उसकी सत्ता तो पूरे राज्य में कार्य करती है ना, सत्ता अदृश्य है पर वो सत्ता सारे राज्य में अपना कार्य करती है। पृथ्वीपति है महाराज परीक्षित। अच्छा महाराज परीक्षित ने उसको ये कहा भाई मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा। अब कलयुग ने कहा कि आपका राज्य तो सारी पृथ्वी पर है, अब मैं कहाँ जाऊं, जहां जाता हूं वहीं आप धनुष बाण हाथ में लिए मुझे मारने को उद्यत दिखाई पड़ते हैं, तो मेरे रहने के लिए भी तो कोई कोई स्थान आप दीजिए ना, पहले आप मुझे अपनी ओर से कोई स्थान दे दीजिए, मैं वहीं पर रहकर आपकी आज्ञा का पालन करता रहूंगा, वहीं पर स्थिर होकर रहूंगा। तो महाराज परीक्षित ने कुछ विचार किया और उसको रहने के लिए चार स्थान दिए। बड़ी रोचक घटना है ये, चार स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए दिए। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो इन चार से बच जाए वो कलयुग से बच सकता है। चार स्थान दिए, पहले चार स्थान दिए। सबसे पहला स्थान दिया महाराज परीक्षित ने रहने के लिए द्यूत, जुआ। मैं कई बार इस घटना का बैठे बैठे चिंतन करता हूं, जो घटना कुरुकुल की राजसभा में घटी। भारतवर्ष का धर्म, भारतवर्ष की सभ्यता, संस्कृति, यहां का गौरव, घटना शुरू हुआ उस दिन के बाद जिस दिन कुरुकुल की राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। यद्यपि ये बात कहीं कहीं किसी पुराण में पुस्तक में नहीं लिखी है, पर मैं बैठा बैठा चिंतन करता हूं कि भाई भारत भूमि की वो गरिमा, वो गौरव आखिर क्यों घटता गया, ऐसी कौन सी घटना घटी जो भारत विश्वगुरु था उस भारत में ऐसे ऐसे अनेक अनेक दोष कहां से आ गए, जिस भारत के राजा ऐसे तपस्वी धर्मात्मा थे कि उनके सामने कलयुग आ नहीं सकता था, भारत भूमि की वो पवित्रता धीरे धीरे क्षीण क्यों हो गई, क्यों संस्कृति शिथिल पड़ रही है। तो जैसे आशीर्वाद मुख से कोई ना भी कहे, मैं तो कहता हूं ना आशीर्वाद हृदय के भीतर घटने वाली एक घटना है, तो घट जाता है, कोई उसको मुख से ना भी कहे तो भी हृदय में अगर आशीर्वाद प्रकट हो गया तो वो तो अपना कार्य करेगा। ऐसे जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो द्रौपदी का हृदय इतना पीड़ित हो गया और श्राप देने को उद्यत तो थी द्रौपदी, उसी समय गांधारी ने आकर रोक दिया कि इनको श्राप मत देना है, तेरे अपने हैं। और उस समय द्रौपदी भले रुक गई हो लेकिन वो जो हृदय में जो उनकी विवलता थी, व्याकुलता थी, जो पीड़ा थी, उसने अपना कार्य कर दिया। श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो सुनाया ही करते थे, बोले द्रौपदी ने मनी मन कह दिया था कि तुम राजा बनने योग्य ही नहीं हो, धृतराष्ट्र की ओर देख कर कहा था कि तुम राज सिंहासन के अब योग्य नहीं हो, अब देखना इस भारत भूमि का धर्म दिन दिन घटेगा, इस भारत भूमि की गरिमा दिन दिन घटेगी, म्लेच्छ तुम पर राज्य करेंगे, म्लेच्छों का जूठा तुम पैसा देकर खाओगे, म्लेच्छों के आचरण तुम्हारे धर्म को दूषित कर देंगे, तुम्हारे जीवन को अपवित्र कर देंगे, पल पल थोड़ा थोड़ा करके ये धर्म घटेगा। और संतों की वाणी है भाई, उसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जिस दिन मैंने ये बात उनके मुख से सुनी थी तो उस दिन भीतर एक हलचल हुई थी कि भाई इस महापुरुष का कैसा दिव्य चिंतन है। और इतिहास हम उठाकर देखें, इतिहास उठाकर देखें, भारत भूमि की गौरव गरिमा यदि घटी तो उसी दिन के बाद से घटी। और उस घटना के मूल में क्या था, उस घटना के मूल में था द्यूत, जुआ। कलयुग को दिए गए चार स्थानों में सबसे पहला स्थान द्यूत का है, सारी बुराइयां इसी में रहती हैं, सारे दोष सारे दुर्गुण इसी में रहते हैं। और आज तो भाई वो समय है, आज तो वो समय है, कल आपको यही तो मैं आपको कह रहा था भाई, आज के समय में अपने मन को पवित्र रखना सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक गलत का भेद आप कैसे करेंगे, जो शिक्षा आपको दी जा रही है उसमें वो विवेक देने की सामर्थ्य नहीं है। कानून और नियम कुछ ऐसे हैं, बताओ लिव इन रिलेशनशिप यहां पर लीगल है, कौन बताएगा आपको ठीक क्या है और गलत क्या है, उचित क्या है अनुचित क्या है, पवित्र क्या है अपवित्र क्या है। कहीं कहीं पर
जुआ भी कोई और रूप देकर, उसे कोई और रूप, उसे कोई और नाम देकर, कहीं कहीं पर जुआ भी तो खिलाया ही जा रहा है। अब मैं और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, आप सब जानते ही हैं। ऐसी ऐसी तो आज व्यवस्थाएं हैं। इन सब बातों का विचार करके विचार करना कि सत्संग के अतिरिक्त कौन जीवन को सद्मार्ग पर ले जा सकता है, कौन चलाएगा, कौन? पवित्र भारत भूमि दूषित हुई, कारण क्या है? द्यूत, जुआ। और उसकी आकर्षण शक्ति कैसी है कि वो धर्मराज जो भगवान के कहने पर ये तो नहीं कह रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, वो धर्मराज और भगवान से छिपाकर जुआ खेलने चल देते हैं। श्री कृष्ण को बताए बिना वो जुआ खेलने चल देते हैं। कभी आपसे मैंने कहा था कि आपने तो टीवी सीरियल में देखा है ना, जो राक्षस होते हैं, शैतान होते हैं, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े सींग हैं और बड़ा विभत्स भयानक उनका रूप होता है। पर वस्तुतः ऐसा है नहीं, शैतान भी देखने में बड़ा आकर्षक होता है, तभी तो अपनी ओर खींचता है वो। कभी कभी वो देखने में देवताओं से भी अधिक आकर्षक है, उसका आकर्षण बड़ा तीव्र है, तभी तो खींच लेता है वो अपनी ओर। गलत रास्ते पर कैसे चला जाता है मन, उसमें कोई आकर्षण है ना, कोई खींच लेता है ना अपनी ओर। देवताओं से अधिक आकर्षण उसके पास में है, उसके आकर्षण से स्वयं को बचाकर रखने के लिए भीतर से आपका सुदृढ़ होना आवश्यक है। सुदृढ़, तो आप देखो कि वो धर्मराज जो धर्म है वो भी द्यूत खेलने चले गए, जुआ खेलने चले गए। एक बार नहीं, दो बार, दो बार। तो भाई, साधारण मन बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि उस ओर खींची चली जाए तो कौन आश्चर्य है? कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, कलयुग अपने सारे दुर्गुणों के साथ रहता है। यहां द्यूत चार स्थान पहले महाराज परीक्षित ने दिए, द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। द्यूत पान, मदिरा पान, द्यूत मदिरा पान, पर स्त्री गमन, स्त्री पर स्त्री गमन, और सूना हिंसा। और मुझे लगता है भाई, एक दुर्गुण दूसरे को ले आता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। आप नहीं देखोगे कोई कोई कि मान लो एक है बाकी तीन नहीं है, एक आएगा तो वो अपने साथ दूसरे तीसरे चौथे को भी लेकर आएगा, अपने भाई बंधु लेकर आएगा वो, एक आ गया तो। इसलिए भाई सभी से बचना है, सभी से बचना है। एक बहुत अच्छे विचारक की पुस्तक में मैंने कभी पढ़ा था कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी आसुरी वृत्तियां हैं, उनको रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। अगर उनको कोई स्थान ना मिले तो वो नहीं रह सकती हैं। जैसे बुरी आत्माएं भी होती हैं जो पीड़ित होती हैं, वो किसी दुर्बल मन वाले व्यक्ति के शरीर को ही तो अपना घर बना सकती है, जिसका मन दुर्बल है, जिसके मन के पास शक्ति नहीं है। आपने आपने अपने मन को दुर्बल बनाया तो आपने नकारात्मकता को अपने भीतर रहने के लिए स्थान दे दिया। माने कहने का तात्पर्य यह है, कोई भी दूषित नकारात्मक अपवित्र आसुरी वृत्ति आप में तब तक नहीं रह सकती जब तक आप उसके लिए द्वार नहीं खोल रहे हो, जब तक आप उसको रहने के लिए स्थान नहीं दे रहे हो। इसीलिए संतों ने बहुत विचार करके कहा कि भाई, छोटी छोटी अनेक कितनी बातें आप बताओगे। कलयुग का मनुष्य है, अल्प बुद्धि है, अल्प गति है, अल्प मति है, उसको तो एक सीधा मार्ग बताओ जिससे बचा रहे वो कलयुग के दोषों से। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गा। अच्छा, द्यूत में कोई हारे, जुए में हारे तो हानि, हारे तो हानि और जीते तो बड़ी हानि। बड़ी हानि क्यों? क्योंकि जीतेगा तो लोभ जगेगा। अगर जीतेगा लोभ जगेगा, और लोभ है सर्व पाप को मूल, सब पापों का मूल लोभ है। धन अधिक होगा
तो क्या करेगा? उन्मादी हो जाएगा, भोग विलास जीवन में बढ़ेगा, मदिरापान होगा, परस्त्री गमन होगा, सारे दुर्गुण सारी बुराइयां आ ही तो जाएंगी जीवन में। चलते चलते उलझेगा किसी से, सड़क पर चलते चलते मदिरा पिया व्यक्ति हो, सड़क पर चलते चलते लड़ लेता है किसी से, लड़ भिड़ जाता है, तन और मन हिंसक हो जाते हैं उसके। इन चार से कोई बच जाए, इन चार से कोई बच जाए तो कह रहे भाई कलयुग के बहुत से दोषों से बच सकता है, पर चार से बचे कैसे? क्योंकि इन चारों में बड़ा आकर्षण है। अब तो पिछले शायद 1.5-2 बरस से मैं व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिलता, पर पहले कभी कभी कुछ लोग अगर मिलते थे तो वो कहते थे आज समाज ने क्या आकार ले लिया है कि भाई पहले मदिरा पीने वाले व्यक्ति को अपने आप को चार लोगों के बीच में किसी ना किसी प्रकार से सही बताना पड़ता था, अपना स्थान बनाना पड़ता था। आज नहीं पीने वाले की ऐसी स्थिति हो गई है, जो नहीं पीता है आज वो समाज के द्वारा उपेक्षित हो गया है। एक बात ध्यान रखना, बहुमत से केवल यहां बाहर सरकार बनती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अधिक संख्या में जो हो रहा हो, अधिक संख्या में लोग जिस कार्य को कर रहे हो वो सही है, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत अधिक संख्या में आज लोग शराब पीने लगे हैं, जुआ खेलने लगे हैं, तो शराब और जुआ सही हो जाएगा क्या? क्या ये नैतिक दृष्टि से सही हो जाएगा? एक बात और ध्यान रखना, अपने बच्चों को भी बताना, समथिंग विच इज लीगली करेक्ट, लीगली राइट, जो कानून की दृष्टि से सही है पर जरूरी नहीं है वो नैतिकता की दृष्टि से भी सही हो। जो लीगली करेक्ट है जरूरी नहीं है वो मोरली करेक्ट भी हो, वो एथिकली करेक्ट भी हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए तो आज इतनी देर आपसे मैंने कहा भाई जो शिक्षा आपके बच्चों को स्कूलों में दी जा रही है वो शिक्षा तो पवित्र अपवित्र का भेद बताती नहीं है, वो तो सत्य सुचिता के बारे में कुछ कह ही नहीं रही है। 10 साल हो गए हमको भी सुनते सुनते कि भाई भगवद गीता को आवश्यक विषय स्कूलों में बनाया जाएगा, पर बना तो नहीं बन पाया। इस पवित्र भारत भूमि पर गौ हत्या बंद नहीं हो पाई। 10 साल हो गए हमको भी सुनते सुनते, चलो उससे पहले तो कोई आशा नहीं थी, पर 10 साल में भी ये कार्य बस ऐसे कहते सुनते रहे पर कार्य तो नहीं हुआ। एक बात मैं और बता दूं कि भगवत गीता हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता तो सार्वभौमिक धर्म की बात करती है, भगवत गीता हिंदू की बात नहीं करती है, भगवत गीता तो मनुष्य की बात करती है, वो तो मनुष्य के कल्याण की बात करती है। तो इसलिए भाई मैं तो ये कहता हूं कि अपना कर्तव्य पालन करने वाला अंत में सन्मार्ग पा जाता है। हम किसी की ओर दृष्टि न डालें, जहां तक हमारी पहुंच हो, जहां तक हमारी सामर्थ्य हो, हम वहां तक प्रयास अवश्य करें, और कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम अपने घर आंगन को पवित्र बनाकर वहां तो एक दिया अवश्य जलाएं। और कहीं पर हमारा अधिकार नहीं है, पर अपने घर आंगन को तो हम अनुकूल बना सकते हैं ना, अपने घर आंगन को तो पवित्र बना सकते हैं ना, वहां तो एक दीपक जला सकते हैं, वहां तो जरूर जलाना चाहिए। आज ये प्रसंग आया तो मैंने कहा, महाराज परीक्षित क्रोधित हो गए, बोले किसी भी प्रकार से तू इस भारत भूमि पर नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि यहां अनेक अनेक निष्काम महापुरुष लोक मंगल की भावना से भावित होकर यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, ये पवित्र भूमि है, ये तेरे रहने का स्थान नहीं है। महाराज परीक्षित ने यह बात क्यों कही? क्योंकि वो जिस भूमि के राजा हैं उस भूमि के प्रति उनका कर्तव्य है, उस भूमि के प्रति उनका कर्तव्य। हमको भी इस भूमि पर जन्म मिला है भाई, इसी मिट्टी का अन्न जल पाकर खाकर ही तो हम बड़े हुए हैं, हमारे शरीर को पोषण यहीं से मिला है। इसलिए पहले कभी कभी कोई मुझसे कहता था ना विदेश जाने के लिए, तो मैं कहता था भाई हम तो उस परंपरा में दीक्षित हैं जहां रसिकों ने वृंदावन का त्याग नहीं किया, वृंदावन नहीं छोड़ा। हमको यदि किसी कारण यहां वहां आना जाना पड़ भी रहा है
तो कम से कम मैं अपने जीवन में इतना संकल्प तो करूं कि भारत भूमि नहीं छोड़ूंगा, मैं भारत भूमि का त्याग नहीं करूंगा। खैर श्री जी ने बड़ी कृपा की, उन्होंने कहा इतना झमेला भी क्यों रखते हो आप, और बुला भी लिया और बिठा भी लिया यहां अपने चरणों में। सुख पाया रहम तेरी, सुख पाया सदा। कलयुग ने कहा भाई ये चार स्थान तो कम है, माने मेरे रहने के लिए जगह कम पड़ेगी, कोई और स्थान भी हमको दीजिए। पुनश्च याचमानाय जातरूपं मदात् प्रभु, ततोऽमृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमं। पहले चार स्थान कौन से दिए? द्यूत, मदिरापान, परस्त्री गमन, पुरुष के लिए परस्त्री गमन, स्त्री के लिए पर पुरुष का विचार, और चौथा हिंसा। अब जब कलयुग ने कहा कि ये स्थान मुझे कम है, मुझे जगह कम पड़ेगी रहने के लिए, कोई और स्थान दीजिए, पुनश्च याचमाना, उसने फिर मांगा, तो महाराज परीक्षित ने पांचवा स्थान दिया जातरूपम। जातरूपम अर्थात स्वर्ण रूपम, स्वर्ण। लेकिन स्वर्ण का अर्थ केवल सोना नहीं है, क्योंकि उस समय नोट नहीं थे ना, उस समय धन जो था वो स्वर्ण के रूप में रखा जाता था, धन का संग्रह स्वर्ण के रूप में होता था, स्वर्ण मुद्राएं होती थी, तो उन्होंने स्वर्ण कहा। पर इससे ये समझना चाहिए कि जो धन है, अत्यधिक धन जो है वो अनर्थ का मूल है। इसीलिए संतों ने सिखाया, साई इतना दीजियो जावे ग्रस्त समा, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा, साधु न। दोई सेर मांगो चूना, पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगो दाले, मुख दोनों वक्त जीवाने, मैं ना ही किया लबो, एक नाम तेरा मैं पाऊं, कह कबीर मन मान्या तो हरि जाना, जी गोपाल तेरा आसरा, जी दया तेरा आसरा। अब तुम सोचो तिजोरी भी भरते चले जाएं और सुख शांति से भी रह लें, ऐसा तो नहीं होगा। चार पांच बरस पहले की बात है, शायद कॉलेज में कोई सेशन हो रहा था, मुझे याद नहीं, एक बच्चे ने मुझसे कहा, उसने लिखकर प्रश्न भेजा, बोले मैं चाहता हूं कि मेरा बैंक अकाउंट तो अंबानी के जैसा हो और मेरे पास मन की शांति आपकी जैसी हो। मैंने कहा तुम दोनों से जाकर कभी व्यक्तिगत रूप से मिले नहीं ना, इसलिए ये बात कह रहे हो। उनसे जाकर पूछते कि भाई तुम्हारे मन में कोई शांति है, तो उत्तर ना मिलता। मेरे से आकर पूछते बैंक अकाउंट में कुछ है, तो उत्तर ना मिलता। तो भाई जिसके पास वो है उसके पास ये नहीं है, जिसके पास ये है उसके पास वो नहीं है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। कितने कितने अनर्थ अर्थ में छिपे हैं, कितने अनर्थ। और आप ये सोचो कि भाई आज सत्संग सुन के जाएंगे और बस आज यहां से जाते ही हमारी धन की वासना समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार तो भाई यहां से कहने वाले यहां से उतर के रुपया गिनने लगते हैं, यहां से उतरते ही, तो ऐसा भी नहीं होगा। समझ तो लिया हमने कि भाई इन इन स्थानों पर कलयुग रहता है, लेकिन इन दुर्गुणों से, इन दोषों से बचने का उपाय केवल एक ही है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। ईमानदारी से प्रभु के शरण में जाओ तो बात बन सकती है, तेरी बनत बनत
बन जाए। अपनी सामर्थ्य से ऐसा कर लोगे, ऐसा 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 ना सोचना, ऐसी भूल ना करना। मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो। जे ही राखे रघुबीर ते उबरे ते ही कान। क्योंकि होता क्या है, एक एक दुर्घटना और जीवन में घटती देखी है मैंने। दिन भर व्यक्ति कोस रहा है, अरे भगवान की माया, ये संसार ऐसा, ये संसार वैसा, और भीतर चाहता उसी को है, दौड़ दौड़ कर लिपटता उसी से है, उसकी गति वही है। खूब प्रवचन हो रहे हैं, खूब उपदेश हो रहे हैं, लेकिन मन की गति वही है, ये दुर्घटना भी घटती है। इसीलिए ये ना सोचना भाई हम सुधार लेंगे स्वयं को, बच जाएंगे इन सब दोषों से। ना 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 ना, हम नहीं बच सकते हैं, कोई समर्थ चाहिए। जाकुमीत साजन है समिया। भगवान पास रहे तो ये दोष दूर रहेंगे, और भगवान को पास में रखने की विधि एक ही है, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे नकारः। चैतन्य महाप्रभु ने विधि बताई है भाई, सदा भगवान को निकट रखना है तो कैसे रखेंगे। मुकुंद माधव गोविंद वो केशव माधव हरि हरि वो राम राम वो कृष्ण कृष्ण वो केशव। एक बड़ा सुंदर श्लोक आगे मिल रहा है, अथैतानि न सेवेत बुभूषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर् गुरुः। अब भगवान वेदव्यास ने आज की स्थिति का विचार करते हुए यह श्लोक कहा होगा, बोले कि बुभूषु, जिसको अपने कल्याण की कामना हो, जो अपना कल्याण चाहता हो, बोले उसको तो इन पांचों का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। और उसमें भी एक बात और कह दी, विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु। उसमें भी राजा को, नेता को, और बोले जो इस समाज में गुरु के स्थान पर बैठे हैं, उनको तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा लोकपतिर गुरुहु, बोले उनको तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। वैसे तो जो भी कल्याण चाहता हो वो इनसे बच के रहे, पर क्योंकि राजा के निर्णय का प्रभाव पूरी प्रजा पर पड़ता है, राजा यदि अधर्मी हो जाएगा तो पूरी प्रजा पीड़ित होगी। क्यों? क्योंकि उसके निर्णय का प्रभाव पूरी प्रजा पर पड़ेगा। वो जो निर्णय लेगा वो पूरी प्रजा पर प्रभाव डालेगा अपना। और जो नेता है वो भी शायद उस समय भगवान वेदव्यास ने यही देखकर कहा होगा कि भाई उस समय नेता ही राजा होंगे, ऐसे तो राजा रहेगा नहीं कोई, नेता ही राजा हो जाएंगे। और फिर एक और बात भी कही, नेता और राजा ही नहीं, राजा लोकपतिर और गुरुहु, और जो गुरु के स्थान पर बैठा है, जो धर्माधिकारी बनकर बैठा है, बोले उसको तो विशेष रूप से इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। पर दोनों कान पकड़कर ये बात कहनी पड़ रही है भाई कि इन्हीं तीनों के जीवन में, इन्हीं तीनों के जीवन में इन पांचों का बाहुल्य देखने को मिलता है। इन्हीं तीनों के जीवन में, किसी के जीवन में कोई दुर्गुण और किसी के जीवन में कोई दुर्गुण। मैं तो आपको एक बात कहूंगा भाई, किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, स्वावलंबी बनिए। वो परिधि व्यवहार हो या अध्यात्म हो, मैं तो कहता हूं स्वावलंबी बनिए, हम जैसे लोगों पर आश्रित मत रहिए। अरे भारत भूमि पर जन्मे हो, मनुष्य हो, भगवान ने बुद्धि दी है, जगाइए अपना विवेक। इसलिए आज इतनी देर आपसे ये बात की मैंने, स्वाध्याय करिए, शास्त्र के द्वार पर जाइए याचक बनकर। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन का सारा रहस्य इन्हीं शास्त्र पुराणों में रख दिया है,
और मैं कहता हूँ जब मैं शास्त्र पुराण कहूँ तो कहीं और न देख कर केवल श्रीमद् भागवत की ओर देखिए। सब शास्त्र पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है। सर्व वेद इतिहासानां सारं सारं समुद्रितम्। और उसको भी और मधुर करके, इस भक्ति सिद्धांत को भी और सरस और मधुर करके हमारे रसिकों ने गाया है। श्री सेवक जी श्री ध्रुवदास जी ने कहा है, स्वाध्याय करिए, सत्संग का आश्रय लीजिए, सुनिए, स्वाध्याय करिए, थोड़ा मौन हो आपके जीवन में, आत्मचिंतन हो, जप हो, भगवान नाम का आश्रय लीजिए, स्वावलंबी बनिए। मैं बार बार आपसे यही बात कहता आया हूं, आज फिर कह रहा हूं। पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है जिस दिन बालक उससे दो पग आगे निकल जाता है। ऐसे गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है जिस दिन उसका शिष्य अध्यात्म की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाता है, किसी दूसरे को मार्ग देने वाला हो जाता है। मुझे तो भाई आपसे एक प्रणाम भी नहीं चाहिए, एक प्रणाम भी नहीं। मैं तो यहां से ये बात कह रहा हूं, प्रभु की साक्षी में कह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप आत्मनिर्भर बने, आपके भीतर की दुर्बलता नष्ट हो, आपके भीतर का अंधकार नष्ट हो, आपके भीतर ये ज्ञान और वैराग्य का दीप चले, आपकी भक्ति पुष्ट हो, आप दिखाओ किसी को रास्ता, आप इतने सबल बनो कि आप किसी निर्बल के सहयोगी बन सको, उसको मार्ग दिखा सको। आप वैद्य का कर्तव्य होता है कि भाई अगर कोई रोगी उसके पास आ गया है तो उसको औषधि भी दे और उसको पथ्य कुपथ्य का विचार देकर उसको रोग से मुक्त कर दे, उसको औषधि भी दे और उसके पथ्य कुपथ्य का विचार भी दे कि भाई भविष्य में इनसे बचे रहना, औषधि एक बार स्वस्थ कर देगी, फिर इस पथ्य कुपथ्य से बचे रहना और स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना। मुझे बहुत बरस पहले एक संत ने यह बात समझा दी थी, बोले बेटा कभी किसी को अपने साथ बांधना नहीं, किसी को बांधोगे तो तुमको भी बांधना पड़ेगा। बंधन उभय पक्षीय होता है, एक पक्षीय नहीं होता है। चिंता होती है ना लोगों को, भाई हमारा चेला कहीं और जाए नहीं। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी सुनिए, मेरे को तो अपनी ओर से आपको सद्विचार देना है, मुझे अपने साथ किसी को बांधना नहीं है। मैं तो सदा ही संकेत करूंगा आपको महाप्रभु जी की ओर, वहीं देखना, वहीं देखना, वही समर्थ हैं, वही कल्याण करेंगे। कल भी आपसे यही कहा था मैंने, वही ले जाएंगे श्री जी के चरणों तक। प्रभु के चरणों तक ये सत्संग की धारा ही लेकर जाएगी। हाँ, पर मैं ये अवश्य चाहूंगा कि आप में आत्म अनात्म का विवेक जगे, आपको अपने हित अहित का बोध हो जाए, अपने मन के गुरु आप बन जाएं, अपने आप को मार्ग दिखाने वाले आप बने। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाए विद्यार्थी बनकर, अगर वो जीवन भर विद्यार्थी ही बना रहे तो सारी शिक्षा पद्धति व्यर्थ हुई कि नहीं? इट्स फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अगर एक स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट ही रहता है तो इट्स अ बिग फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ऐसे ही सीखने वाला ही बना रहे, वो कभी सीखे ही नहीं, तो भाई वो सिखाने वाला भी दोषयुक्त है और वो जिस विधि से सिखा रहा है वो विधि भी अनुचित है। और फिर भाई ये मार्ग तो ऐसा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। तो एक बार समय आएगा आप भी नहीं रहेंगे, कठिन जो चलत पिपीलिका और लोग लगावे बैल, कबीरा मार्ग प्रेम को निपट सिलसिली गहल। अकेले चलने की सामर्थ्य अर्जित करनी है, अकेले ही तो जाना है, अकेले ही तो जाना है। तो ये प्रभु की कृपा है, ये सुंदर संयोग प्रभु ने बना दिया, आप हम मिल गए, प्रभु की चर्चा हो रही है। पर ध्यान रखना, वहां अकेले ही जाना है। भक्ति का दीप हाथ में लेकर, नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांघ कर उतर करम का घाट, उतर करम का। इसके बाद महाराज परीक्षित ने 5 स्थान रहने के लिए दे दिए कलयुग को, और फिर इसके बाद उन धर्म रूपधारी वृषभ के 3 चरण जोड़ दिए, क्योंकि अब आप सुख से विराजमान हुई है।
और यहां भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, आस्ते धुना सराजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन गजावे महाभागश चक्रवर्ती बृहत्स्रवाः। कि वो परम यशस्वी सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। यहाँ यह अध्याय विराम लेता है, आगे की चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री को प्रणाम, आप सब के हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।